हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हांडी पनीर बना रही हूँ। ये हांडी पनीर बनाने की अब तक की सबसे आसान रेसिपी है और इसे हम सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं हांडी पनीर। गर्म कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर खड़े मसाले डालेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता, दालचीनी, पत्थर फूल, 2 लौंग डाले हैं, 8 से 10 काली मिर्च और हरी इलायची है जिसे मैंने खोल लिया है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच डालेंगे, 2 बड़े प्याज का पेस्ट डालेंगे। इन सभी मसालों को मैं अभी हाई फ्लेम पर भून रही हूँ। प्याज को हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है। 2 बड़े टमाटर का पेस्ट डालेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इन सभी मसालों को हम मिक्स करने के बाद तेल छूटने तक भूनेंगे। आधी कटोरी पानी डालेंगे इसमें। मसालों से तेल छूट चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच दही डालेंगे। दही हमेशा ग्रेवी के पकने के बाद ही डालें, नहीं तो ग्रेवी फट सकती है। इन्हें मिक्स कर लेते हैं। इन्हें मिक्स कर हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। पनीर डाल लेते हैं। सब्जी बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ऊपर से हरा धनिया डालकर सर्व करें। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और भी इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।